जैसा कि आप सभी देख सकते हैं, हमारे साथ अंशु कुमारी और दीपक कुमार, जिन्होंने नीट में काफ़ी शानदार परफॉर्मेंस किया। तो चलिए उनसे बात करते हैं कि कैसा रहा उनका सफ़र पाठशाला के साथ। मेरा नाम अंशु है और मेरे स्कोर नीट में 588 है। मेरा नाम दीपक कुमार है और मेरा स्कोर जो नीट में है वो 557 है। तो अंशु और दीपक, हमें एक एक करके बताइए कि आपने कैसे प्रिपरेशन किया पूरा शुरू से लेकर लास्ट तक, और पाठशाला से मतलब किस तरह की मदद मिली आपको? शुरू से प्रिपरेशन तो मेनली नीट के लिए मेनली ज़रूरी होता है, या किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए सेल्फ स्टडी सबसे ज़्यादा मस्ट होता है। और उसमें पाठशाला ने मतलब सेल्फ स्टडी तो मैंने खुद से किया, पर उसके बाद जो जितने भी मुझे डाउट्स आते थे वो पाठशाला में आके सॉल्व किए जाते थे। जैसे मेनली हम लोग में ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि बायो के स्टूडेंट को यही डर होता है कि फिज़िक्स हमारा वीक है या वीक पॉइंट है। तो हमें मतलब फिजिक्स में मतलब ऐसे समझाया जाता था कि मतलब हम बहुत अच्छे से कैचअप कर लेते थे और सारे डाउट्स को बहुत स्पेशल टाइम देके हमें जितने भी सर को टाइम लगे वो पूरा सॉल्व करवाते थे। केमिस्ट्री में भी मतलब हमारे कोई भी डाउट ऐसे नहीं होते थे कि सर अगर उनसे आज नहीं हुआ तो वो कल टाइम देके ऐसे करके लेकिन समझा देते थे हमें। यस, आपका प्रिपरेशन कैसा रहा पाठशाला के साथ? पाठशाला के साथ अच्छा जर्नी रहा। जो पाठशाला का है, जहाँ तक मेरा है कि हम यहाँ पे क्लास करते थे मॉर्निंग में, है ना, उसके बाद भी हम रुकते थे यहाँ पे, इवन नाइट को भी रुकते थे। स्पेशली हमारे साथ सौरभ सर रहते थे जो कि काफ़ी हमको मदद करते थे, जो कि रात में हम लोग जब कभी भी हमारा डाउट होता था, इवन फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों के अंदर ही सर हमें सॉल्व करते थे डाउट। तो अंशु और दीपक, अब हमें बताइए हमारे व्यूअर्स को कि एक डाउट क्लियरिंग सेशन जो पाठशाला का, क्योंकि कोई भी जब हम लोग प्रिपरेशन करते रहते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि डाउट क्लियर होना, तो वो कैसे टैकल किया आप लोग यहाँ पे, टीचर्स किस तरह का आप लोग को हेल्प प्रोवाइड किया, उसके बारे में बताइए। डाउट्स तो मतलब हम अगर कभी किसी दिन भूल भी जाते थे कि डाउट्स, मतलब अगर क्वेश्चन नहीं बनाए तो डाउट्स नहीं आते थे, लेकिन टीचर खुद से याद दिला देते थे कि तुमने बहुत दिन से डाउट नहीं पूछा है, तुम क्वेश्चन बना रहे हो या नहीं। मतलब ऐसा सपोर्ट होता था ना कि वो आपको मतलब डेविएट नहीं होने देते थे, हमेशा मोटिवेटेड रखते थे। टीचर भी पूरा नज़र रखे रहते थे आप लोग में, आप लोग क्या पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं, किस में दिक्कत आ रहा है आप लोग का, नहीं आ रहा है। अच्छा, यस सर, बहुत मदद करते थे सर लोग। सेम जैसे अंशु ने बताई कि हम लोग को बाद में भी पूछा जाता था, इवन हम लोग जब यहाँ से निकलते रहते थे, कोचिंग से जाने लगते थे, तो पूछा जाता था सर के द्वारा कि क्या तुम्हारा आज डॉट कोई नहीं है। तो बहुत ज़्यादा ही मतलब ये कोऑपरेटिव था। तो अगर हम फिर बात करते हैं आगे टेस्ट के बारे में कि कैसे यहाँ पे टेस्ट ऑर्गेनाइज होते थे, फिर नीट का जब फाइनल टाइम आया उस टाइम कितने टेस्ट आप लोगों ने दिए, उसके बारे में बताएं। नीट के टाइम में तो मेनली 5 मंथ से पेंडेमिक के वजह से सब कुछ तो मतलब घर पे ही हो रहा था, तो उससे पहले जितने भी टेस्ट हुए थे वो यहाँ पे ऑर्गेनाइज कराए जाते थे और फिर अच्छे से होता था सभी टेस्ट, बच्चे आके देते थे और फिर उसके मार्क्स स्कोर बोर्ड पे रहते थे, फिर सर जो अच्छे स्कोर वाले होते थे उनको भी बुलाते थे, जिनका कल लो स्कोर रहता था उनको भी बुला के पूछते थे तुम्हें प्रॉब्लम कहाँ हो रही है। मतलब टेस्ट देने के बाद भी पूरा एनालाइज होता था हर एक क्वेश्चन का, पूरा प्रॉपर डाउट क्लियरिंग सेशन होता था। तो अब हमें बताएं कि बीच में जब पेंडेमिक का सिचुएशन आ गया था उस समय सब ऑनलाइन शिफ्ट हो गया था और एग्ज़ाम फ्रिक्वेंटली डिले हो रहा था, तो उस समय कैसे आपके जो मेंटर है जैसे जितेश सर है, उस समय कैसे आप लोगों को गाइड किया कि अभी हमें आगे कैसे स्टेप लेना चाहिए, कैसे अपने प्रिपरेशन को मेंटेन करके चलना है? देखिए सर, जब पैंडेमिक सिचुएशन आया था तो हम लोगों का सब कुछ ही ऑनलाइन शिफ्ट हो गया था, पाठशाला के ऐप पे चला गया था, वहाँ पे टेस्ट सीरीज होते थे, डॉट सेशन लगता था, जो किसी टॉपिक में अगर मान लीजिए कसर रह जाए तो वो भी वहाँ पे हो जाता था। हम लोग पहले सर को व्हाट्सएप कर देते थे, इवन हम लोगों का व्हाट्सएप ग्रुप भी था जिसके अंदर हम अपना क्वेश्चन उसमें डाल सकते थे, इस तरह से हमने डील कराया। मतलब जब ऑनलाइन भी जब कुछ शिफ्ट हो गया फिर भी आप लोग सर से कांटेक्ट कर सकते थे, आपका जो भी डाउट था आप उसे सॉल्व कर सकते थे इजीली। तो बहुत अच्छी बात है। अब हमें बताएं कि स्पेशली जो जितेश सर हैं वो मतलब किस तरह से आप लोग को हेल्प किए, मोटिवेट किए, इनकरेज किए इस चीज़ को लेके, ये पेंडेमिक सिचुएशन में? नहीं, मतलब ओवरऑल। जितेश सर तो बहुत ही ज़्यादा कॉपरेट किए, इवन हम जब ज्वाइन कर रहे थे पाठशाला तो हम तो विश्वास ही नहीं कर रहे थे कि दरभंगा में भी ऐसा कोचिंग हो सकता है, है ना, लेकिन जितना हमने सोचा था उससे बेहतर मिला। तो अंशु, अब आप हमें बताइए कि टीचर्स और मेंटर, स्पेशली जो जितेश सर है, वो कैसे आप लोगों में प्रिपरेशन में हेल्प किए, आप लोग से शुरू से लेकर लास्ट तक कैसा सफ़र था उनके साथ आपका? जितेश सर के साथ सफ़र बहुत ही अच्छा था, हमारे जितने भी डाउट्स आते थे जितेश सर
सभी सॉल्व करते थे। और केमिस्ट्री में वो मतलब ऐसा नहीं था कि अगर वो ऑर्गेनिक बस पढ़ाते थे तो इनऑर्गेनिक का क्वेश्चन हमसे कभी पूछते नहीं थे या वो सॉल्व नहीं करते थे। वो हमें अगर ऑर्गेनिक्स का क्वेश्चन बताते थे तो वो भी बोलते थे कि तुम फिजिकल्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या नहीं, उसके भी डाउट्स सॉल्व करते थे और हमें हमेशा मोटिवेटेड रखते थे सर। मतलब पूरा ध्यान रखते थे आप लोग क्या पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे। हाँ। हर एक सब्जेक्ट जो भी आपका पीसीबी है तो पूरा ध्यान रखते थे उस पर। अंशु अब हमें मतलब व्यूअर्स को बताएं, अगर कोई यहाँ पे आने का सोच रहा है, कोई यहाँ पे आने का मतलब एडमिशन लेने का सोच रहा है, तो उसको आप लोग क्या एडवाइस देना चाहेंगे? दरभंगा जैसे छोटे टाउन में मतलब पाठशाला जैसा बहुत ही अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट है यहाँ पे। मतलब आप अगर 11, हम लोग ने तो 1 ईयर कोर्स किया था, अगर जो 11th क्लास स्टार्ट से आ रहे हैं उन्हें तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा क्योंकि टीचर्स तो यहाँ के बहुत ज़्यादा ही सपोर्टिंग है और मतलब आपके डाउट्स नहीं रहेंगे। और मतलब अगर आप खुद से सेल्फ स्टडी के साथ अगर टीचर से कनेक्टेड रहेंगे तो आप बहुत अच्छा दरभंगा में रह के भी स्कोर कर सकते हैं। हाँ, दरभंगा जैसे छोटे टाउन में तो एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते थे कि ऐसा कोचिंग भी होता है ना। तो यहाँ पे तो बहुत अच्छा मतलब सब कुछ ही अच्छा है, जो भी क्लासेस चलते हैं आफ्टर क्लासेस, एकेडमिक नॉन एकेडमिक प्रॉब्लम दोनों ही अच्छे से डील होता है ना। और यहाँ पे अच्छे रैंक अचीव किया जा सकता है, हम लोग का जितना परफॉर्मेंस है कहीं इससे बेहतर हो सकता है अगर 2 ईयर का कोर्स किया जाए तो। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, दीपक और अंशु ने हमें बताया कैसा रहा उनका सफ़र पाठशाला के साथ, कैसे उन लोगों ने तैयारी की, टीचर्स ने किस तरह से उन लोग का हेल्प किया, स्पेशली जितेश सर ने कैसे उन लोग को हेल्प प्रोवाइड हुआ। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन अंशु और दीपक, आप दोनों को ऑल द बेस्ट आप लोग के फ्यूचर के लिए। आप लोग ने बहुत अच्छा स्कोर किया है नीट में, आई होप कि आप लोग आगे भी ऐसे ही मेहनत करते रहें। थैंक यू। तो जैसा कि आप सभी देख सकते हैं हमारे साथ बैठे हैं मिस्टर जितेश भगत। तो सर, पहले जेई में इतना अच्छा परफॉर्मेंस बच्चा लोग को और अब नीट में इतना शानदार परफॉर्मेंस, तो आपका क्या रिएक्शन है इस पे? रिएक्शन बहुत ही सही है और बहुत खुश हैं हम लोग, हमारी टीम बहुत खुश है, हमारी मैनेजमेंट बहुत खुश है, फैकल्टी टीम बहुत खुश है, क्योंकि हम लोग लगातार मेहनत करते आ रहे हैं, पिछले कई सालों से हम लोग मेहनत करते आ रहे हैं और उसका प्रमाण हमारा जो रिज़ल्ट है वो बता रहा है। कंटिन्यूसली हमारी टीम मेहनत करती रहती है और हम यहाँ के पेरेंट्स को ये स्पेशली बताना चाह रहे हैं कि अब आपको अपने बच्चों को बाहर भेजने की कोई नीड नहीं है, यहाँ पे बहुत ही अच्छा व्यवस्था है और अच्छे सिस्टम्स हैं, बहुत सही फैकल्टीज़ हैं, मोस्टली फैकल्टीज़ IITians हैं। अभी तो अगर देखा जाए तो हर एक सब्जेक्ट में 2-3 IITians हैं यहाँ पे, तो एक कम्प्लीट IITians की टीम है, बहुत ही डायनेमिक और यंग लोग हैं सारे, तो जो कि 24/7 वर्क करने के लिए एकदम तत्पर रहते हैं हमेशा। तो हम लोग बहुत ही पॉजिटिवली रिज़ल्ट देने के ही पॉइंट ऑफ व्यू से मेहनत कर रहे हैं और आने वाले समय में और ही शानदार रिज़ल्ट होगा। अभी तो ये एक मैं बता दूं कि अभी तो जस्ट एक शुरुआत है, आने वाले समय में बहुत ही शानदार बहुत ही धमाकेदार रिज़ल्ट होने वाला है। इस बार के जो बच्चे हैं वो काफ़ी सही बच्चे हैं, मतलब नंबर्स में अगर देखा जाए तो नंबर्स में काफ़ी सही बच्चे हैं और जिसका नेक्स्ट ईयर आप लोगों को ज़रूर परिणाम दिखेगा। तो सर, अगर आने वाला जो एकेडमिक सेशन है उसके बारे में बोले तो आप लोग कैसे उस सेशन को देख रहे हैं? देखिए, पैंडेमिक के कारण बहुत ज़्यादा पढ़ाई बच्चों का हैम्पर हुआ है। हम लोगों ने वैसे ऑनलाइन कंटिन्यूसली अपना क्लास चलाया है, जितना सपोर्ट हो सकता था हम लोगों ने स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया है। तो लेकिन जो मुझे पर्सनली फील होता है कि अभी हम जिस जगह पे हम हैं यहाँ पे बच्चों को टच एंड फील मेथड ज़्यादा पसंद है, फिजिकल प्रेजेंस टीचर का बहुत ज़रूरी होता है। मुझे जैसा फील होता है कि ऑनलाइन में जो इफ़ेक्टिविटी है उससे कहीं ज़्यादा इफ़ेक्टिविटी ऑफलाइन में आती है। पर्सनली बच्चों से जब हम बात करते हैं तो अभी बस उसी का वेट हो रहा है और बाकी डाउट्स वगैरह तो हम लोग करवा ही रहे हैं बच्चों का। तो ऑफिस हमारा खुला हुआ रहता है, न्यू एडमिशन्स हो रहे हैं, पेरेंट्स से बस यही बोलना चाहूँगा कि एक बार आइए विजिट कीजिए। ट्रस्ट आप लोगों का हो सकता है हम लोगों ने जीत लिया हो अभी तक, क्योंकि जो रिज़ल्ट हम लोगों ने दिया है वो शायद आप लोगों को इम्प्रेस किया हो और आने वाले समय में मैं ये बता दूं आप लोगों की और ही इम्प्रेसिव रिज़ल्ट होने वाला है। तो सर, अगर लास्ट में जो व्यूअर्स देख रहे हैं, जो स्टूडेंट्स काफ़ी देख रहे हैं हमारे, जो उनका एग्ज़ाम आने वाला है बोर्ड का, नीट का, मेन का, तो उसको आप लोग क्या मतलब एडवाइस करना चाहेंगे? स्पेशली अगर देखा जाए हमारे यहाँ से रूपेश कुमार था जेई मेन में, उसको आज ही
जो काउंसलिंग में फर्स्ट राउंड में ही उसको NIT जमशेदपुर मिला है और कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिला है। अभी और भी नेक्स्ट राउंड्स में या आने वाले राउंड्स में और ऊपर आएगा उसका। वैसे NIT जमशेदपुर CS अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि जिन्होंने अच्छा किया है बहुत बढ़िया, जिनको लगता है कि रिजल्ट सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो उनको मैं सजेस्ट करूँगा कि वो प्लीज़ ड्रॉप ले लें। बहुत ज़्यादा समय वैसे भी नहीं बचा हुआ है, 4-5 महीने का समय बचा हुआ है, तो आप ड्रॉप ले लीजिए और ड्रॉप लेके कंटिन्यूसली आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बनाइए, टेस्ट पेपर पे फोकस कीजिए, कंटेंट अपना तैयार कीजिए और जो पूछे गए सवाल हैं उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, उससे आपके कॉन्फिडेंस आएंगे। तो सर थैंक यू सो मच, आपने इंपॉर्टेंट टाइम दिया हमारा और मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू सर पाठशाला, इतना अच्छा डायनेमिक रिजल्ट आया। आई होप कि आने वाले सेशंस में और इससे भी अच्छा रिजल्ट आए और ऐसे ही ग्रोथ होते रहे। थैंक यू।